गुजरात राज्य का एक सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, जिसे इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। इस शहर के बीच से होकर गुजरती है साबरमती नदी, जिसके किनारे पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई आंदोलनों की शुरुआत की। इसलिए इस शहर का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है और यहाँ पर कई तरह के पुराने किले, महल, मस्जिद, मंदिर और स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी चीजें मौजूद हैं। साथ ही कई महलों और किलों को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, इसलिए इन होटल में रहने और वहाँ के जीवंत इतिहास को करीब से देखने के लिए हर साल यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से आज भी कई ऐसे होटल्स बनाए जाते हैं जो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को उजागर करते हों और मेहमानों को एक लग्जरी और शाही लाइफ जीने का अनुभव देते हों। उन्हीं होटलों में से एक है आईटीसी नर्मदा, जो वर्ष 2022 में बनकर तैयार हुआ। एक 5-स्टार लग्जरी कलेक्शन होटल है ये, और आज हम आपको इसी आलीशान होटल के बारे में बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वरमाला.com, जहां पर आप मेरे साथ घूमने वाले हैं अलग अलग लग्जरी 5-स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये होटल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके आसपास नेहरू ब्रिज, साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम, कांकरिया लेक, सरदार पटेल स्टेडियम जैसे अहमदाबाद के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये होटल उन टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है जो वहां से इस शहर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। इसके अलावा ये होटल शहर के बीच में स्थित है, जिसकी ऊंचाई से शहर का रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। अगर हम इस होटल में गेस्ट्स वेलकम की बात करें तो बाकी आईटीसी होटल्स की तरह यहाँ भी आपका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। लॉबी के बाहर पारंपरिक तरीके से आपकी आरती की जाती है और उसके बाद ही आप होटल के अंदर प्रवेश करते हैं। लॉबी में प्रवेश करते ही फर्श पर चमकते मार्बल, दीवारों पर गोल्डन और ऑफ व्हाइट रंगों का मिश्रण और उन पर खूबसूरत कलाकारी देखने को मिलती है। और अगर आप ऊपर छत पर नजर डालेंगे तो वहां आपको गुजराती हस्तशिल्प की उम्दा कारीगरी देखने को मिलेगी, जिस पर लटकते हैंगिंग लाइट्स उसे और भी खूबसूरत और आकर्षक बना देते हैं। आईटीसी नर्मदा को गुजरात में बहने वाली नर्मदा नदी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। साथ ही ये होटल गुजराती आर्किटेक्चर और भव्यता का एक नमूना है। अगर हम इस होटल के रूम्स की बात करें तो यहाँ कुल 291 रूम्स बनाए गए हैं, जिनमें 28 लग्जरी स्वीट्स भी शामिल है। और इनकी खास बात यह है कि प्रत्येक कमरे से आपको शहर के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इन रूम्स को मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है, जिनमें पारंपरिक गुजराती टच भी देखने को मिलता है। कमरे में दीवारों के रंग का चुनाव काफी सहजता से किया गया है, ताकि ये आपको एक सुखदायक और शाही अनुभव दे सके। चमड़े के लाउंजर, संगमरमर के झूमर और प्रकृति से प्रेरित मुरल पेंटिंग कमरों को एक आकर्षक रूप देते हैं। प्रत्येक कमरे को अधिकतम आराम पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन कमरों को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, जिनमें अगर हम एग्जीक्यूटिव क्लब की बात करें तो इसका साइज 43 वर्ग मीटर है, जो विशेष रूप से व्यापार यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। और ये आरामदायक कमरे व्यस्त व्यापारियों के लिए आदर्श सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन कमरों में आकर्षक सजावट की गई है और इनमें किंग या ट्विन बेड का विकल्प भी मौजूद है। आपके बेड साइड में आईपैड्स मिलते हैं, जो आपको स्मार्ट टेलीविजन और लाइट्स पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, ताकि आपको स्विच के साथ संघर्ष न करना पड़े। साथ ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के एक विशाल सूची भी उपलब्ध है। इसके बाद टावर्स रूम की बात करें तो इसका आकार भी 43 वर्ग मीटर का है और इसमें शानदार गुजरात की जीवंत कला और शिल्प की सजावट देखने को मिलती है। एक खूबसूरत कमरे आपको तुरंत आकर्षित करने के लिए काफी है।
यहाँ की ऊंचाई से आपको शहर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अब अगर हम ITC 1 की बात करें तो इस कमरे की साइज 49 वर्ग मीटर है, जिसे मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। ये विशाल कमरे खूबसूरती और नजाकत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कई तरह की सुविधाओं के साथ मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। वहीं अगर अब इस होटल में पेश की जाने वाली एमिनिटीज को देखें तो इनमें स्विमिंग पूल, फ्री पार्किंग, फिटनेस सेंटर, स्पा एंड वेलनेस सेंटर, बार, इवनिंग एंटरटेनमेंट, बोर्ड गेम्स, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस जैसी और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, जिनका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ के डाइनिंग ऑप्शन को देखें तो आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट का विकल्प मिलता है, जिनमें अदालाज पवेलियन अपने मल्टीपल कुजीन के लिए फेमस है। वहीं अगर आप वेजिटेरियन है तो रॉयल वेगा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप चाइनीज डिशों का स्वाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए यी जिंग रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उत्तर पश्चिम सीमांत के उम्दा स्वादों को ताजा करना है और मिट्टी के तंदूर से दाल बुखारा, रसीले कबाब और ब्रेड जैसे जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद लेना है तो एक अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट ब्रांड पेशावरी आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प होगा। इसके अलावा होटल में आपको 24 आवर इन रूम डाइनिंग सर्विस की फैसिलिटी भी मिलती है। इस होटल में मीटिंग्स और इवेंट के लिए स्पेस बनाए गए हैं, जो 2561 स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। इन स्पेस को कोलार, बर्ना, औरसंग, हिरान और करजन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी वेडिंग और रिसेप्शन जैसे छोटे से लेकर भव्य तक सभी प्रकार के सेलिब्रेशन के लिए एक आदर्श जगह है। ये लग्जरी होटल निश्चित रूप से आपके सभी विवाह समारोह को अपने आप में एक अनूठा अनुभव बना देगा, जिसे आप और आपके सभी मेहमान की यादों में बस जाएगा। साथ ही इस होटल के स्टाफ मेंबर भी काफी सहायक और बेहतर सर्विस देने में माहिर हैं। कुल मिलाकर ये होटल लग्जरी से भरपूर एक रॉयल्टी और परंपरा का कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक अनोखा अनुभव करना चाहते हैं तो इस लग्जरी होटल में अपना समय बिता सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ के वेडिंग प्राइजेस के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और बुकिंग पर जो ऑफर चल रहा है उसका तुरंत आप बेनिफिट लीजिए। इस होटल की खूबसूरती और हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला.com। धन्यवाद।